आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के आप सबको यहाँ के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। आज उत्तराखंड एक नई ऊंचाइयों को, विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ है। उत्तराखंड के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और चंपावत विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और उत्तराखंड के सह प्रभारी लोकप्रिय सांसद श्रीमती रेखा वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री मदन कौशिक जी, इस क्षेत्र के निवर्तमान विधायक माननीय श्री कैलाश गौतोड़ी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष श्री दीपचंद पाठक जी, लोकप्रिय सांसद श्री अजय कमता जी, उत्तराखंड सरकार के सभी माननीय मंत्रीगण श्री चंदन रामदास जी, श्रीमती रेखा आर्य जी, श्री गणेश जोशी जी, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, विधानसभा के प्रभारी श्री कैलाश शर्मा जी, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमती दीप्ति रावत जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, नगर पालिका टनकपुर के अध्यक्ष श्री विपिन वर्मा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती ज्योति राय जी, सभी पूर्व पदाधिकारीगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित चंपावत विधानसभा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी मेरे भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड चुनाव के दौरान मुझे उत्तराखंड के अंदर कुछ सभाओं में आना था, लेकिन अचानक खटीमा का कार्यक्रम मेरा स्थगित करवा करके टिहरी, कोटद्वार और अन्य स्थानों के कार्यक्रम लगा दिए गए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का रुद्रपुर में कार्यक्रम होने के कारण उस समय चाहते हुए भी मैं खटीमा का दौरा नहीं कर पाया था और मुझे इस बात का उस समय हार्दिक खेद था कि अगर हम लोग उस समय एक साथ खटीमा में गए होते तो खटीमा की तस्वीर कुछ और हो गई होती। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तराखंड के सभी मतदाता भाइयों बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, श्री पुष्कर सिंह धामी जी के यशस्वी नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने विश्वास करते हुए दो तिहाई बहुमत से फिर से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है और उत्तराखंड में मुख्यमंत्री के रूप में श्री पुष्कर सिंह धामी जी का अभिषेक होने के साथ ही ये चंपावत का सौभाग्य है कि आज केवल एक जनप्रतिनिधि का नहीं, एक मुख्यमंत्री का चुनाव करने का एक अवसर आप सबको प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, चंपावत जनपद
कि स्थापना 1997 में हुई थी। ये 25 वर्ष आज आपके पूरे होने जा रहे हैं और 25 वर्षों की इस यात्रा में जो सपने चंपावत ने देखे थे, विकास के सपने, रोजगार के सपने, इस क्षेत्र के तीर्थों के विकास की, पर्यटन के विकास की अनंत संभावनाओं को आगे बढ़ाने के सपने, मुझे लगता है मां पूर्णागिरि के आशीर्वाद से वे सपने सब साकार होने जा रहे हैं। जब चंपावत में प्रत्याशी के रूप में स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री आपके बीच में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में आए हैं, मैं अभिनंदन करूंगा श्री कैलाश गहतोड़ी जी का, जिन्होंने विकास के लिए स्वतः आगे आकर के श्री पुष्कर सिंह धामी जी को आमंत्रित किया और मैंने कहा कि मैं चंपावत से आपको आमंत्रित करता हूं कि आप यहां से आइए, उपचुनाव लड़िए और आपके साथ ही विकास की एक नई धारा चंपावत के अंदर बहेगी। और आज भाइयों बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आपके बीच में टनकपुर में आने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 25 वर्षों की यात्रा, उत्तराखंड जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरी करेगा, उसे यादगार बनाने के लिए चंपावत के पास बहुत कुछ होगा। और भाइयों बहनों, इसलिए कभी भी याद रखना, जब अवसर मिले तो उस अवसर से कभी चूकना नहीं चाहिए। और यही अवसर आपके पास है कि चंपावत को विकास की नई ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए अपने युवा और यशस्वी मुख्यमंत्री के साथ जुड़ करके उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाने के लिए हम सबको आगे आना चाहिए। भाइयों बहनों, चंपावत का अपना पौराणिक इतिहास है। कहते हैं कि भगवान विष्णु का कुर्म अवतार इसी क्षेत्र में हुआ था। इस क्षेत्र में गुरु नानक देव जी ने अपना एक विशेष लगाव रखा था और इस क्षेत्र के प्रति युग त्रिष्ठा संत स्वामी विवेकानंद की विशेष दृष्टि इस क्षेत्र पे थी। और अगर ये देवभूमि नहीं तो फिर कैसे मां पूर्णागिरि का धाम यहां पर है, गोलोजी महाराज का धाम यहां पर है, बाबा गोरखनाथ का धाम यहां पर है और न जाने कितने ऐसे धाम मां सरस्वती के रूप में मां शारदा की कृपा यहां पे साथ साथ बरसती भी दिखाई देती है। आप सब सौभाग्यशाली हैं इस देवभूमि में जन्म लेकर के आप सबको यहां के माध्यम से देश की सेवा करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बार बार कहते हैं कि जब उत्तराखंड की जवानी और उत्तराखंड का पानी उत्तराखंड से बाहर निकलता है तो देश के लिए उपयोगी बनता है। देश जवान यहां की सुरक्षा करता है। जब मां शारदा का पानी जाता है तो यहां से होकर के उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों को अपने मीठे पानी से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवा करके न केवल वहां के किसानों को समृद्ध करता है बल्कि अन्नदाता किसानों को समृद्ध भी करता है और साथ ही साथ देश का पेट भरने का काम भी करता है। यही तो उत्तराखंड की विशेषता है। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिनके मार्गदर्शन में आज उत्तराखंड एक नई ऊंचाइयों को, विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे इसी महीने 3 दिन के लिए उत्तराखंड के प्रवास का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप सब जानते हैं मेरा जन्म भी उत्तराखंड में ही हुआ है। और कई वर्षों के बाद मुझे अपनी जन्मभूमि में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था
और 3 दिन का प्रवास मेरा बहुत अच्छा रहा। कितना रोचक था, कितना अच्छा था विकास की ऊंचाइयों को। जब मैं यहां बचपन में मैंने अपनी स्कूली शिक्षा उत्तराखंड में पढ़ी थी तब सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं थी। और जब मैं कई वर्षों के बाद उत्तराखंड के उन गांवों में गया, वहां मुझे सड़क मिली, बिजली मिली, पानी मिला, स्वास्थ्य की सुविधा मिली, विकास की एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ उत्तराखंड नए भारत का एक नया उत्तराखंड के रूप में स्थापित हो रहा है। और इस समय तो पर्यटन की जिन नई संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, आपने देखा होगा उत्तराखंड में पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री धामी जी ने बाबा केदारनाथ के पावन धाम को राष्ट्र को समर्पित किया। कितना भव्य आयोजन था। कोई सोचता था उच्च हिमालय में इतनी ऊंचाइयों पर आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की स्थापना होगी? वह धाम जो 2013 में पूरी तरह प्राकृतिक आपदा की चपेट में आ गया था, कोई सोचता था कितने वर्षों के बाद उत्तराखंड का केदारनाथ धाम फिर से एक नई काया और नए कलेवर के रूप में श्रद्धालु जनों की सुविधा और उनकी आध्यात्मिक विकास को फिर से शांत कर पाएगा। लेकिन हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, और मैं धन्यवाद दूंगा श्री पुष्कर सिंह धामी जी को कि आज बाबा केदारनाथ के धाम में जो भी श्रद्धालु जा रहा है वह संतुष्ट होकर के आता है। लाखों श्रद्धालुओं ने अब तक वहां की यात्रा कर ली है। बद्रीनारायण का दर्शन करने के लिए जो भी जा रहा है अभिभूत होकर के आ रहा है। गंगोत्री और यमुनोत्री का दर्शन करने के लिए पूरा देश उमड़ रहा है। और उत्तराखंड तो पर्यटन का एक नया हब बन रहा है, धार्मिक पर्यटन भी है। तो जब धार्मिक पर्यटन 6 महीने के बाद बंद होता है तो उस समय नैनीताल, रानीखेत और बागेश्वर के तीर्थ अपने आप को सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए दिखाई देते हैं। यानी कितना समन्वय है। कभी उत्तराखंड के 4 धामों की यात्रा प्रारंभ होती है और कभी इस क्षेत्र के नैनीताल है, रानीखेत है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ के चंपावत के इन क्षेत्रों में पर्यटक आकर के प्रकृति के सौंदर्य को निहारता हुआ देख करके अभिभूत होता है। और इसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर के तो स्वामी विवेकानंद भी यहां आए थे, गुरु नानक देव भी यहां आए थे और भगवान को भी यहां पर अवतार देने के लिए आना पड़ा था। भगवान विष्णु को कूर्म अवतार के रूप में यहां पर स्वयं अवतार देने के लिए आना पड़ा था। और आज भाइयों बहनों हम सब आपके बीच में आए हैं। कोई संदेह नहीं था किसी को भी, किसी पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव लड़ेंगे और लड़ने के बाद बहुत भारी बहुमत से विजयी बन के बनेंगे, इसमें किसी को देश के अंदर संदेह नहीं। लेकिन भाइयों बहनों याद रखना, जब तक सफलता हमारे हाथों में ना आ जाए तब तक हमारा प्रयास अनवरत बना रहना चाहिए। और वही अपील करने के लिए आज मैं आपके बीच में आया हूं। अपील यही कि हमें चुनाव जीतना भारी बहुमत के साथ, ऐतिहासिक मतों के साथ यहां पर चुनाव जीत करके भेजने की आवश्यकता है, जिससे आप विकास और इस क्षेत्र में जो संभावनाएं हैं उन संभावनाओं के प्रति स्वतः स्फूर्त भाव के साथ आप में अपने आप में एक निश्चिंतता आ जाए। और मुख्यमंत्री बनने का मतलब क्या होता है आज मैं आपको बता सकता हूं। अगर आप गोरखपुर जाएंगे, गोरखपुर के विकास को पिछले 5 वर्षों के अंदर, 5 साल पहले गोरखपुर गया होगा, आज जो गोरखपुर जाएगा तो पहचान नहीं पाएगा कि विकास क्या होता है, कैसे विकास होता है। यानी स्वतः विकास की संभावनाएं बनती भी दिखाई देती है और विकास की उन संभावनाओं के साथ जोड़ने के लिए आज चंपावत जब 25 वर्ष की अपनी यात्रा को पूरा कर रहा है, याद करिए चंपावत जनपद 1997 में बना था,
और 1997 में बनने के बाद आज 25 वर्ष की अपनी यात्रा पूरा किया है, तो 25 वर्ष के बाद ये सौभाग्य आपके पास सामने आ रहा है कि विकास के साथ जोड़ने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री आपके पास आए हैं। आपने तो सुना होगा कि प्यासा कुएं के पास आता है, लेकिन भाइयों बहनों पहली बार कुआं प्यासे के पास आ रहा है विकास की प्यासा को दूर करने के लिए, और विकास की इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना अपने आप में सौभाग्य की बात है। नित नए रोजगार के अवसर सृजित होंगे, धार्मिक पर्यटन विकसित होगा, इको टूरिज्म विकसित होगा, विकास की नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य होगा। और अब तो पर्यटन की संभावनाओं के साथ उत्तराखंड ने भी तय किया है कि हमें विकास करना है, और यही तो कारण है कि 5 वर्ष की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उत्तराखंड में देखने के बाद उत्तराखंड की जनता जनार्दन ने 5 वर्ष की इस एक नई यात्रा के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर से जनादेश देकर के प्रचंड बहुमत के साथ आज आपके पास भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर आपकी सेवा के लिए यहां पर खड़ी है। एक नई टीम के साथ, एक नए उत्साह के साथ आज उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में सरकार काम करना प्रारंभ कर चुकी है। और भाइयों बहनों यह विश्वास हर उत्तराखंडवासी के मन में होना चाहिए।